से एक बना दिया फोल्डर। अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप की जो दास्तान है वो ये है कि भाई जैसे मैंने जिक्र किया था कि एरे बना है लूप के लिए और लूप बना है एरे के लिए, सही है। तो ये हमारा जो सिंगल डायमेंशन एरे इस वक्त आपके सामने बना हुआ है, जो हमने ये लास्ट क्लास में जो पढ़ाई की थी वो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके सामने ना एक सिंगल डायमेंशन एरे है। सबको ये बात समझ आ रही है ना? और टू डायमेंशन भी सबको आइडिया हो गया है, क्योंकि लास्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर एक एरे के अंदर एक मुकम्मल दूसरा एरे आ जाए तो उसको हम 2D एरे कहते हैं, फिर टू डायमेंशन एरे कहते हैं, ठीक है। जिसकी हमने मैट्रिक्स करके मिसाल एक भी ली थी, जो आप लोगों को एज असाइनमेंट भी दिया था मैंने, कि वो दो मैट्रिक्स को आपने प्लस करना है। तो जब ये एरे 2D होगा ना, तो फिर इसके लिए लूप का इस्तेमाल भी जो होगा वो 2D लूप होगा, ठीक है, या नेस्टेड लूप भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जो एरे है ना, ये सिंगल डायमेंशन एरे, तो एक इसको 2D भी कहते हैं, जो इसका प्रॉपर एक फॉर्मल नाम है, लेकिन इसको नेस्टेड एरे भी कहते हैं। जब एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे आ रहा होता है तो उसको हम नेस्टेड एरे भी कह रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक नेस्टेड एरे बना देता हूँ, पहले तो ये एरे को हटा के ना एक इसकी जगह पे नेस्टेड एरे बना देता हूँ। तो मैंने कहा कि लेट मैट्रिक्स 1, और उसके बाद मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज की, ठीक है। तो ये एक एरे हो गया। अब इसके अंदर मैं इसके पहले इंडेक्स में एक दूसरा एरे बनाता हूँ, दूसरे इंडेक्स में एक दूसरा एरे बनाता हूँ, और तीसरे इंडेक्स में एक तीसरा एरे बनाता हूँ, ठीक है। इन तीनों में कोई ना कोई मैं नंबर लिख देता हूँ, सही है। ये मैंने कुछ ना कुछ नंबर लिख दिए इसके अंदर। अब ये मैट्रिक्स 1 जो है ये एक एरे है, और इसके हर इंडेक्स में एक एक एरे मौजूद है। अच्छा, इस तरह के एरे को हम कहते हैं 2D एरे। अच्छा, वैसे पूरा एरे ठीक हो, बस एक इंडेक्स में कहीं पे एक दूसरी कोई चीज़ आ जाए, दैट इज़ नॉट अ 2D एरे। 2D एरे का मतलब ये है कि उसमें पहले इंडेक्स से लेके ना आखिरी इंडेक्स तक एक जैसी वैल्यू हो, काइंड ऑफ, हम ज़रूरी नहीं है हमेशा एक जैसी हो, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक उसमें एरे ही होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड 2D एरे ना। अच्छा, नेस्टेड एरे ऑन अदर एंड थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। नेस्टेड एरे का मतलब ये है कि किसी भी जगह अगर कोई दूसरा एरे आ गया ना, तो वो एक के अंदर एक नेस्ट, जो आप कभी कव्वे का घोंसला देखा हो किसी ने करीब से अगर, तो कव्वा क्या करता है, घोंसला बनाने के लिए जो वायर्स ढूंढ ढूंढ के लाता है उसको एक दूसरे के अंदर घुसा घुसा के नेस्टिंग करता है उसकी, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नेस्टिंग, जो वो उसको घुसा घुसा, तो एक के अंदर जो दूसरी जब एरे जब जाते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ नेस्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको नेस्टेड, तो नेस्टेड का मतलब ये है कि पूरे एरे में ना स्ट्रिंग है, कुछ और भी है, कहीं एक में भी अगर कोई दूसरा एरे आ गया तो नेस्टेड एरे तो वो कहलाएगा, बट 2D एरे का एक फॉर्मल नाम है कि अच्छा यार वो डेटाबेस से आएगा ही 2D पूरा का पूरा। अच्छा, वेल, अब वो नेस्टेड हो या 2D हो, अब इसको हम देखते हैं कि लूप चला के इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, पहले जो हम लूप चलाते थे वो नॉर्मल इस तरीके से चला रहे होते थे। अच्छा, तो अब मुझे इस लूप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, लेट आई इक्वल्स 0, सही है। ये तो पहला वाला तो उसी तरह होगा एक्चुअली, आई जब तक छोटा रहे, मैट्रिक्स 1.length, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा एक लूप लिख दिया मैंने, जो स्टैंडर्ड लूप है जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि एक लूप इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस लूप के अंदर जो ये कॉन्सोल जो चल रहा है ना, आप इसमें गौर करें कि इसमें असल में आपके पास मिल क्या रहा है। इस आई के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 0 से लेके एक सर्टन वैल्यू तक का एक नंबर मिल रहा है। हमारे केस में वो 3 है, 0 से लेके, तो क्योंकि मैट्रिक्स 1 की जो डॉट लेंथ है वो 3 है, 1, 2, 3, तो 0 से लेके 3 तक का तो नहीं, खैर 2 तक जाएगा, 2 तक का यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा आई पे। तो ये सम टैक्स लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद ये मैट्रिक्स 1 का अगर मैं आई इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ तो ये 1 और ये 2 और ये 3, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पर। अच्छा, लेकिन ये तीनों किस फॉर्म में होंगे, एरे की फॉर्म में होंगे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं एक दफ़ा मैं 2 को एक्सेस करूँ, एक दफ़ा मैं 1 को एक्सेस करूँ। इमेजिन करेंगे मुझे इस इन सारी वैल्यूज़ को
जो भी मैट्रिक्स में मौजूद हैं इन सारी वैल्यूज़ को मैंने डबल करना है, टू से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ केस। तो वो इस पॉइंट पे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना, मतलब पूरा एरिया मुझे मिल रहा है तो मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके आगे ये लगा दूँगा कि मैंने कहा कि यार ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दो टू से, और ऐसे करके कर लूँगा मैं, एक आइट्रेशन में तीन को मल्टीप्लाई मारूंगा, अगली आइट्रेशन में अगले तीन को मारूंगा, उसके अगले में अगले तीन को मारूंगा, तो मसला मेरा यहाँ पे हल हो गया, काइंड ऑफ मसला मेरा हल हो गया। अभी तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन इमेजिन करो कि मैंने इसको मॉडिफाई करना हो, अगर नीचे वालों को भी उड़ा देता हूँ, सॉरी स्क्रीन दिख नहीं रही है, नीचे हो गई है थोड़ी ना, हाँ भाई अब दिख रही है, यहाँ का प्रोजेक्टर ज़रा नीचे लगा हुआ है। अच्छा, तो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, ये है एक मैट्रिक्स मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ। तो पहली आइट्रेशन में जब आई में ज़ीरो होगा, ठीक है, तो आई के अंदर ज़ीरो का मतलब है मैट्रिक्स वन ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, मैट्रिक्स वन ज़ीरो कॉमा वन ज़ीरो कॉमा टू। तो ये मैंने पहली ही आइट्रेशन में क्या कर लिया, इन तीनों वैल्यूज़ को एक एक करके एक्सेस कर लिया। यहाँ पे मेरा मसला तो हल हो गया ना, मैं चाहूँ तो इसी तरह इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये तो कर सकता हूँ ना मैं ये वाला काम, तो मेरा जो ये एरे है टोटल ये तीन आइट्रेशन घूमेगा, और तीनों आइट्रेशन घूमते हुए ना, पहली आइट्रेशन में मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई मार दिया टू से, दूसरे में इन दोनों को मार दिया, और तीसरे में इन दोनों को मार दिया, इन तीनों को मार दिया, सही है। तो ये बाई द एंड ऑफ दिस लूप ये इस मैट्रिक्स की ईच एंड एवरी वैल्यू टू से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, डबल कर दिया मैंने उसको। बट कभी क्या हो सकता है, इसकी तो वैल्यू अभी मुझे पता है कि तीन है इसके अंदर, लेकिन अक्सर जो डेटा होता है वो डेटाबेस से आ रहा होता है हमारे पास, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि यार चलो मैट्रिक्स में, वैसे तो मैट्रिक्स के तीन इंडेक्सेस हैं, लेकिन हर इंडेक्स पे आया कि तीन वैल्यू होगी या चार होगी या पाँच होगी। अगर इस एरे को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ तो मेरी ये लॉजिक फेल होना शुरू हो जाएगी। अब मेरी ये लॉजिक फेल होगी, मतलब जितना तक मैंने कवर किया था उतने तक तो ये हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई, ये नाइन सिक्स और ये फोर, ये इसी तरह रह जाएंगे, ऐसा ही है ना, सब और से इसको देखो, समझ आ रही है जो बात मैं बता रहा हूँ। तो अब मैंने क्योंकि इस एरे को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी ये लॉजिक क्या हो जाएगी, फेल होना शुरू हो जाएगी। अब इस मैट्रिक्स की तमाम, हालांकि देखो अभी भी यूनिफॉर्म है, अभी भी ये टू डायमेंशन एरे है प्रॉपर एक, सही है, दिस इज़ नॉट जस्ट एन नेस्टेड एरे, ये पूरा टू डायमेंशन एरे है। तो ये मेरी लॉजिक अब फेल होने लग गई। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब आगे। अच्छा, इसको तो मैं वैसे ही रहने दूँगा, थोड़ी सी नीचे चेंज होंगी वैल्यूज़। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा ये एरे टू डायमेंशन है तो इसको एक्सेस करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि इसके लिए लूप भी टू डायमेंशन इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, लूप एक तो आई वेरिएबल ये हो चुका है रिजर्व, अब हम यहाँ लगा देते हैं जे जे और यहाँ पे जे प्लस प्लस। अच्छा, इस कंडीशन में इसको क्या देना चाहिए मुझे, इस कंडीशन में ये आएगा कि मैट्रिक्स आई का इंडेक्स, मैट्रिक्स वन का इंडेक्स आई डॉट लेंथ, ये आएगा इसमें, ठीक है, जे जब तक छोटा रहे। ये एक स्टैंडर्ड टू डायमेंशन लूप मैंने आपके सामने लिखा है। अच्छा, इसको एक एक करके अब ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ कहाँ पे चल रही है।
ये पहली वाली बात तो आपको पता है, लेकिन फिर भी रिपीट करते हैं कि फॉर का कीवर्ड देखेगा आपकी जावास्क्रिप्ट जब, तो जावास्क्रिप्ट आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप एक इनिशियलाइजेशन का पार्ट देंगे, एक कंडीशन चेकिंग का पार्ट देंगे और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट देंगे। तो ये लूप चलना शुरू हुआ, इनिशियलाइजेशन हो गई, आई ज़ीरो चला गया आई के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसने ये वाली कंडीशन चेक की, इस कंडीशन में मैट्रिक्स वन डॉट लेंथ क्या है, थ्री है ऑब्वियसली, ठीक है। मैट्रिक्स वन पे जब डॉट लेंथ लगाऊंगा तो ये मैट्रिक्स वन है, मैट्रिक्स वन में एक इंडेक्स है ये, ठीक है ना, एक इंडेक्स यहाँ तक है इसका, मैट्रिक्स वन का दूसरा इंडेक्स यहाँ तक है, तीसरा इंडेक्स यहाँ तक है, ठीक है। हर इंडेक्स में एक मुकम्मल एरे मौजूद है, तो तीन इस, अगर इसके ऊपर डॉट लेंथ में कॉल करूँगा प्रॉपर्टी तो मुझे तीन रिटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन, और ये आई की जगह पर क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि आई की वैल्यू ज़ीरो अभी अभी इनिशियलाइज हुई है। तो ये कंडीशन ट्रू है फिलहाल के लिए। अच्छा, तो जैसे ही ये देखेगा कि कंडीशन ट्रू है, ये बॉडी यहाँ से लेके, इसमें थोड़ी जगह बना देता हूँ, बॉडी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जगह को ये एक दफ़ा रन करने की कोशिश करेगा, सही है। अच्छा, जैसे ही इस बॉडी के अंदर पहुँचेगा तो इसको यहाँ पे इनकाउंटर होगा एक दूसरा फॉर लूप। अच्छा, यहाँ पे कोई कॉन्सोल वॉन्सोल भी हो सकता था बीच में, ज़रूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट फॉर लूप, यहाँ पे कोई कॉन्सोल वॉन्सोल टाइप की, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास, क्योंकि हमारी लॉजिक कुछ ऐसी है कि हमारे पास सिर्फ दो डायमेंशन का एक लूप है, ठीक है। तो मतलब इस फॉर लूप की बॉडी में इस वक्त सिर्फ एक लूप मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर या नीचे कुछ और चीज़ें भी हो सकती थी, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पर अंदर आया, इसने एक और फॉर लूप को इनकाउंटर किया। अच्छा, ये फॉर लूप की जैसे ही कीवर्ड देखा ना फॉर, तो इसको वही तीन चीज़ें एक्सपेक्टेड है फिर। तो इसने लेट जे इक्वल्स टू ज़ीरो, एक इनिशियलाइजेशन का पार्ट इसको मिला, उसके बाद एक कंडीशन चेकिंग का पार्ट मिला, ठीक है। कंडीशन ये वाली क्या ट्रू है इस वक्त या फॉल्स है, अच्छा ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन यही हम बात क्यों लिख रहे हैं, इसको दे रहे हैं लिख के। देखो, ये बाहर वाला जो लूप था ना, ये क्या था, ये होल एरे के लिए था ना। अब जो ये अंदर वाला लूप है, ये मैंने चलाना है जस्ट इस वाले के लिए, तो मुझे उसको कितनी बार चलाना होगा, फोर टाइम्स। हालांकि बाहर वाला थ्री टाइम्स घूम रहा है, लेकिन इसको मुझे फोर टाइम्स घुमाना है। अच्छा, तो इसकी लेंथ के लिए मैं क्या लिखूँगा, इसकी लेंथ के लिए मैं लिखूँगा मैट्रिक्स का इंडेक्स ज़ीरो डॉट लेंथ, यही लिखूँगा ना मैं। तो मैंने एग्जैक्टली यही लिखा है, मैट्रिक्स वन का आई में ज़ीरो है इस वक्त और डॉट लेंथ। अच्छा, जब अगली आइट्रेशन घूमेगी तो आई में वन हो चुका होगा, तो फिर मुझे इसकी लेंथ मिलेगी। तो इवन दो कि अगर इसकी लेंथ अनइवन भी होगी ना इस तरह, तो भी ये लूप सही चलेगा, सही है। अच्छा, तो मैंने क्या ही दे दिया इसको कि जिस इस वक्त इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ ना, उस इंडेक्स पे जो एरे है, मुकम्मल एरे, उसकी लेंथ इसको मैंने बता दी। अच्छा, अभी ये प्लस प्लस वाला तो नहीं करेगा, अभी जैसी कंडीशन इसने देखी और नीचे आके क्या करेगा, ये इसको चला देगा। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे तीन लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा आई कॉमा जे, और यहाँ पे भी आई कॉमा जे लिखूँगा मैं, सही है। अब देखो, अभी ये जे वाला लूप पहली दफ़ा घूम रहा है और ये आई वाला भी पहली दफ़ा घूम रहा है, तो दोनों में ज़ीरो मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आई भी ज़ीरो है और जे भी ज़ीरो है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू पकड़ में आ रही है। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार इस वाली वैल्यू को इक्वल्स कर दो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई टू करके, तो इसका मतलब है इस टू की जगह पे क्या जा चुका है, फोर जा चुका है। अच्छा, अब जब ये बॉडी चला के ना, जब ख़त्म हुआ, ये इस ब्रैकेट पे पहुंचा, तो अभी ये लूप से बाहर नहीं निकल गया है, अभी ये इस लूप में फंसा हुआ है। तो ये इस जगह से ना, ये लाइन नंबर 38 से ये जब देखेगा बॉडी ख़त्म हो गई है, तो ये उड़ता हुआ किधर आएगा, ये यहाँ आएगा, सही है। और इस वाले फॉर लूप की, जो जे वाला फॉर लूप है, इसकी ये पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। ऑन अदर हैंड, इसकी पहली आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है अभी, क्योंकि इसकी पहली आइट्रेशन कंप्लीट जब होगी, जब इधर पहुंचेगा, तो इधर नहीं पहुंचेगी। वेल, तो अब ये इस लूप की सेकंड आइट्रेशन घुमानी है अब इसने। सेकंड आइट्रेशन घुमाने के लिए क्या करेगा, ये कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा, क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। जे में इस वक्त वन हो चुका है प्लस प्लस होने के बाद, और मैट्रिक्स का आई डॉट लेंथ जो है वो क्या है, वो फोर है। अच्छा, तो सेकंड टाइम घूमेगा, अब इस वक्त आई में ज़ीरो है और जे में क्या हो चुका है, वन हो चुका है। तो इसका मतलब है कौन से वाले की बात हो रही है, ये वन वाले की बात हो रही है, ठीक है, कि ज़ीरो कॉमा ज़ीरो और वन, ये वन वाले की बात हो रही है। ये समझ आ रही है ना सबको बात, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई,
अदरवाइज मैं इसको और आसान करके भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अब इसको हम जल्दी ख़त्म करें क्योंकि लूप में काफ़ी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई ऑलरेडी। अच्छा, तो इसी तरह ये सेकंड टाइम घूम जाएगा, जे प्लस प्लस हो गया। अब जे में क्या हो चुका है, टू, तो टू का मतलब है कि ये सिक्स पकड़ेगा, फिर ये नाइन पकड़ेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये चार दफ़ा घूम के ना वह उसमें फोर हो जाएगा जब, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये लूप ख़त्म वहाँ पे। अच्छा, ये लूप जैसे ही ख़त्म होगा तो इसके बाद मजीद कोई कोड नहीं है, तो लाइन यहाँ पहुँचेगी। अब ये यहाँ पहुँचने का मतलब क्या है कि आउटर लूप जो था मेरा इस दो डायमेंशन लूप में, जो आउटर साइड का जो लूप था उसकी एक आइट्रेशन कम्प्लीट हुई है, ठीक है। अब आउटर लूप यहाँ आ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आउटर लूप की एक आइट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आउटर लूप की जो सेकंड आइट्रेशन होगी उसके लिए कंडीशन दोबारा से चेक होगी। आई में इस वक्त क्या हो चुका है, वन हो चुका है। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि मैट्रिक्स वन की डॉट लेंथ जो है वो थ्री है, ये कंडीशन इसलिए अभी भी ट्रू है। अच्छा, तो अब अगली आइट्रेशन घुमाएगा ये इस वाले की, आउटर लूप की। अच्छा, अगली आइट्रेशन जब घुमाएगा तो ये फॉर लूप क्या होगा, ये दोबारा शुरू से चलेगा ना, वो चार बार पहले के लिए चल चुका था, अब ये चार बार दोबारा चलेगा और ये दोबारा जीरो से इनिशियलाइज होगा, ठीक है, दोबारा ये जीरो से इनिशियलाइज होगा। अच्छा, अब की बार देखो आई में, क्योंकि वन है, अब इस आई में अभी जो है वो वन है, तो अब ये कौन से वाले की लेंथ की बात हो रही है, मैट्रिक्स का इंडेक्स नंबर वन डॉट लेंथ, यानी कि मैट्रिक्स का इंडेक्स नंबर वन ये है और इसका इंडेक्स नंबर वन की जो डॉट लेंथ है, तो अभी भी ये फोर ही है लेंथ, ठीक है। तो बस ये एक बार ये बॉडी घुमाएगा। अच्छा, अब आई में वन है और जे में ज़ीरो है, तो आई में वन और जे में ज़ीरो, तो ये पहले से सिक्स से शुरू किया इसने। अब जब ये एक बार जब घूम जाएगा तो दोनों में वन वन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वन कॉमा वन के इंडेक्स नंबर ये ज़ीरो ये वन, तो ये वन हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉमा वन, ज़ीरो और वन, इसका मतलब ये फोर की बात हो रही है, सही है। फिर वन कॉमा टू, फाइव की बात होगी, फिर वन कॉमा थ्री, सिक्स की बात, सही है। फिर ये ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये इधर पहुंचेगा और ये सेकंड आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, सही है। प्लस प्लस हो गया, अब आई में क्या हो चुका है, टू हो चुका है, सही है। अब ये तीसरी बार इसको ये चलाने की कोशिश करेगा, क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई में इस वक्त टू मौजूद है और मैट्रिक वन की लेंथ जो है वो थ्री है, तो एक तरफ टू है एक तरफ थ्री है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। अच्छा, अब ये इसकी बॉडी को चलाना शुरू करेगा, बॉडी को चलाना शुरू किया, ये जे वाला दोबारा शुरू से चलेगा चार दफा। किसकी लेंथ, इस वाले की लेंथ तो थ्री है ना, इसकी थ्री है ना, एक दो और ये तीन। अच्छा, तो अब इसको ये चलाएगा दोबारा से। अच्छा, अब आई में क्या मौजूद है इस वक्त, आई में टू मौजूद है। मैं इसने कहा मैट्रिक्स का इंडेक्स आई जो है ना उसकी लेंथ, तो मैट्रिक्स का इंडेक्स टू की लेंथ, यानी मैट्रिक्स का इंडेक्स टू ये है इसकी लेंथ, तो है तो अभी भी फोर, बट ये आपने नोट किया तीनों एरे की लेंथ को अलग अलग ये देखते हुए चल रहा है, ठीक है। तो इसको टेंशन नहीं है, अगर कोई एक दो ऊपर नीचे भी हो जाए ना, किसी का साइज़ कम ज़्यादा हो जाए उससे इसको टेंशन नहीं है। तो अच्छा, फिर ये हुआ, तो इसने कहा कि आई कॉमा जे को जो है अब मल्टीप्लाई कर दो। आई में इस वक्त टू मौजूद है, जे में ज़ीरो है ऑब्वियसली, तो ये टू और का इंडेक्स टू कॉमा ज़ीरो, इसका मतलब ये एट वैल्यू की बात हो रही है। उसके बाद ये होगा टू कॉमा वन, सही है, फिर टू कॉमा टू, उसके बाद फिर टू कॉमा थ्री, तो ये फोर हो गया। तो हमने ये देखा कि जब टू डायमेंशन एरे की बात आती है तो हम टू डायमेंशन लूप चला के उस एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट को ना अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी साथ साथ हमने किया, तो जाहिर है वो जब एक्सेस कर सकते हैं तो उसी सेम वे में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई तो मैंने वैसे ही एक मिसाल के तौर पर किया था, मैट्रिक्स को कभी इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करते, सही है। ये मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना है और उसको मॉडिफाई करना है इन सम वे, तो वो मैंने अभी मैं इसको स्क्वायर कर देता है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार इसको स्क्वायर कर दो ऐसे दो स्टैरिक लगा के, सही है, या मैं कोई भी दूसरा काम कर सकता था, बट द थिंग इज़ कि इसको मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट को मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, उसको रीड कर पा रहा हूँ, स्क्रीन पर प्रिंट करवा पा रहा हूँ और मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें ये वाली चीज़ जो मैंने प्रिंट करवाई है ना, ये वाली चीज़,
तो ये क्या करेगा, 216964 ऐसे पूरा लाइन से इसको ऐसे प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, है ना। चला के देख लेते हैं एक बार इसको। सॉरी नहीं नहीं जो प्रिंट तो मैंने मल्टीप्लाई से पहले करवाया ना, अगर इसको मैं नीचे कर दूंगा तो मल्टीप्लाई हुई हुई वैल्यू प्रिंट कर देगा। अभी वो करते हैं, हम मल्टीप्लाई हुई हुई वैल्यू को भी देखते हैं प्रिंट करके। सही है, 2169 पूरा लाइन से इसने ना 84 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। लास्ट वैल्यू जो कि 84 थी हमारी। अच्छा अब इसको ना जरा प्रिंट होने के बाद का भी एक देख लेते हैं ना। इसको मैंने रिजल्ट करके ना एक और दफा प्रिंट करवा दिया लास्ट में, ठीक है। देखो टू जो था ना यहाँ पे 1696 था, वो क्या हो गया 241218 हो गया, डबल डबल हो गई ये सारी वैल्यूज। इसको अगर मैं स्क्रॉल अप तो नहीं कर पा रहा, खैर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप कि सब लोग इसको देख पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो ये नेस्टेड लूप की बात हमें समझ आ गई। अब देखो नेस्टेड लूप जो है ना, ये जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, कोई भी टूल हम नया डिस्कवर करते हैं तो उसके बारे में बताता हूँ कि कितना यूज़ होता है आमतौर पर प्रोग्रामिंग में। नेस्टेड लूप कॉमनली यूज़ होता है, नॉर्मल लूप जितना यूज़ नहीं होता, थोड़ा उससे कम होता है, लेकिन स्टिल नेस्टेड लूप आपके साथ साथ रहेगा हमेशा। नेस्टेड लूप ने आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेयरली यूज़ होती हैं, जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं शुरू में कि अच्छा यार ये वाली चीज़, जैसे स्विच है, इफ़ भी कर लें स्विच भी कर लें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बहुत कम रेयरली ऐसी जगह होगी नहीं यार यहाँ पर स्विच लगाना ही है, या कोई सामने से कह देगा कि लगाना ही है तो। बट ये जो नेस्टेड लूप है ना, क्योंकि नेस्टेड एरे ना हर जगह मिलता है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। कहीं पर भी जो जब डेटा टू डायमेंशन होता है ना, तो वहाँ पर टू डायमेंशन एरे करके इसको लिखा जाता है, ठीक है। टू डायमेंशन डेटा मतलब समझ रहे हो ना, टू डायमेंशन डेटा बताओ ज़रा कोई, ताकि मुझे पता चले वाकई आपको समझ आ रहा है। मैंने ये जिक्र किया कि जब डेटा कोई भी टू डायमेंशन होता है ना, तो उसको टू डायमेंशन करके ही सेव करते हैं एरे के अंदर। तो ये टू डायमेंशन डेटा मैं पूछ रहा हूँ कि समझ आ रहा है, तो कोई एग्जाम्पल बताओ, कुछ बता रहे थे तुम, कुछ बता रहे थे बोलो। ये जो डेटा है ना इस वक्त आपके सामने, ये चार्ट मैंने ओपन किया है, ये टू डायमेंशन डेटा है ना। एक इसका एक्स एक्सेस है, एक इसका वाई एक्सेस है। अच्छा जो एक्स इसका एक्सेस है उसमें लिखा हुआ है डेट, और जो वाई एक्सेस है ना उसमें लिखी हुई है प्राइसेस। तो ये काइंड ऑफ एक टू डायमेंशन डेटा है, ठीक है। तो अच्छा ये कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है टू डायमेंशन डेटा की, लेकिन काइंड ऑफ आप समझ गए होंगे बात। जैसे कोई अब जो रन्स वगैरह होते हैं ओवर टाइम कोई चीज़ हुई है, क्यों हमारे यहाँ जो डायमेंशंस अगर आपने स्टडी किया हो ना, डायमेंशन जो सबसे पहला डायमेंशन है वो एक्स है, दूसरा डायमेंशन वाई है, तीसरा डायमेंशन जेड है। हम थ्री डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन अभी बोलते नहीं फोर्थ डायमेंशन भी है, तो फोर्थ डायमेंशन टाइम है। मतलब जैसे जहाज़ों वगैरह में जब लोकेशन अपनी बताते हैं ना, जहाज़ चलते हुए जहाज़ से जब लोकेशन बताई जाती है, तो वो अपना सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं बताते एक्स वाई, क्योंकि जब वो किसी भी जगह पे जहाज़ में है तो वो दुनिया में एक्स वाई पे कहीं, तो एक्स वाई और जेड इसमें कहीं ना कहीं वो लाया करता है ना, उससे बाहर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन वो एक अलग से वैल्यू भी बताता है, दैट इज़ टाइम। उसका रीज़न ये है कि जब वो बोल रहा होता है ना, तो वो बोलते जब वो बोल के ख़त्म होता है, जब तक बात वहाँ पहुँचती है, वो जब तक वो चीज़ चेंज हो चुकी होती है, वो लोकेशन उसकी चेंज हो चुकी होती है, तो वो बताता है कि मेरा एक्स वाई जेड क्या है, और साथ में टाइम भी बताता है कि मैं इतने बजे यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इतने बजे का मतलब है कि टाइम जब आगे बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक
दूसरा ये डायमेंशन है, ठीक है। इस तरह जो सात डायमेंशन साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं, वो मैं अभी और आगे नहीं जाऊँगा इसमें। तो जब भी इस तरह का डेटा होता है ना जिसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं, तो उसके लिए एरे का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है एक से ज़्यादा डायमेंशन का। अच्छा, थ्री डायमेंशन तक जा सकते हैं आम तौर पर। जो थ्री डायमेंशन से आगे जो है ना, वो बहुत रेयरली है, ठीक है। हज़ारों में कोई एक दफ़ा आपको थ्री डायमेंशन से, या लाखों में कोई एक दफ़ा आपको थ्री डायमेंशन से आगे जाना पड़े, ठीक है। लेकिन टू डायमेंशन तो बहुत कॉमन है, टू डायमेंशन तो आपको जाना पड़ता है अक्सर, ठीक है। थ्री डायमेंशन तक जा सकते हैं आमतौर पर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग लिखी जाती है उसमें थ्री डायमेंशन तक हम जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपकी जो फ़ोटो का जो डेटा है, जो JPEG फ़ोटो होती है, वो असल में क्या होती है, वो 2D एरे होता है, टू डायमेंशन एरे होता है वो। कि एक ऐसे रो होती है सीधी, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैट्रिक्स है ना असल में, ये एक JPEG फ़ोटो बिल्कुल ऐसी होती है, अगर उसको आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो, कि भाई ये पहली लाइन पिक्सल की एक यूँ सीधी है, फिर उसके बाद अगली लाइन है, फिर उसके बाद अगली लाइन है, और वो पूरा एक मुकम्मल फ़ोटो बन जाती है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि वो JPEG फ़ोटो का एक एक पिक्सल है, उसमें तीन नंबर होते हैं हर एक पिक्सल में, ठीक है। तो एक्चुअल में वो थ्री डायमेंशन एरे बन जाता है, क्योंकि इसमें तो हर एक पिक्सल में एक नंबर आ रहा है, लेकिन उसमें हर एक पिक्सल में तीन नंबर है। तो असल में जो JPEG की फ़ोटो है ना, वो असल में थ्री डायमेंशन एरे बन जाता है, वो टू डायमेंशन नहीं है। वो कहने को तो वो टू डायमेंशन है, लेकिन हर एक पिक्सल भी एक एरे, एक रो, एक तो इटसेल्फ पूरा एक एरे है, उसके बाद एक रो एक एरे है, उसके बाद उस रो में मौजूद एक पिक्सल में तीन वैल्यूज़ हैं, वो एक इटसेल्फ एक एरे है। तो JPEG फ़ोटो जो है वो एक्चुअली एग्जांपल है थ्री डायमेंशन हमारे उसकी ना। अच्छा, अगर वही JPEG फ़ोटो अगर ग्रे स्केल में होगी ना, अगर, तो फिर वो टू डायमेंशन हो जाती है, क्योंकि ग्रे स्केल में ना एक पिक्सल क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, जीरो से वन के दरमियान की कोई वैल्यू होगी, या वन से हंड्रेड के दरमियान की, बट एक सिंगल वैल्यू होगी, थ्री वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो उसको अगर ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका यही वजह है कि उसका साइज़ बहुत कम हो जाता है फोटो का, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन वे में, वो आप मोबाइल ऐप से करेंगे ना ग्रे स्केल में, तो साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको JPEG की तीनों वैल्यू को वो सस्टेन करता है, ठीक है। एक सर्टेन वे में जो, क्योंकि आपने अक्सर ये देखेंगे आप, पता नहीं आपने अभी तो नहीं देखा होगा, वो जब AI के मॉडल को हम कभी डेटा देते हैं ना, फ़ोटो वगैरह ख़ासतौर पर ट्रेनिंग के लिए देते हैं, तो उसको ग्रे स्केल करके देते हैं। ग्रे स्केल करके देने से क्या होता है कि अगर कोई 10 टेराबाइट का डेटा है तो वो एकदम ड्रेस्टिकली चेंज हो जाता है। तो वो तीन हिस्सों में काटे ना, अगर उसको 3 GB बन जाए, 3 TB बन जाएगा, तो 10 से सीधा 3 पे आगे गिरता है वो। अगर उसको हम ग्रे स्केल करें, दो कलर निकाल दें, एक कलर छोड़ दें सर ग्रे पे उसको, तो वो उसको ग्रे करके देते हैं वो हमेशा। तो उसका ये रीज़न है, ताकि ट्रेनिंग डेटा कम हो जाए, जल्दी जो हमारा मॉडल है वो जल्दी से ट्रेन हो, अदरवाइज़ वो ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा स्टडी करने में उसको टाइम लगाएगा वो, तो जल्दी से ट्रेन हो और फिर जल्दी। अच्छा, फिर क्योंकि आप उसको ग्रे स्केल पर ट्रेन कर देते हैं, तो बाद में जब उसको रिकग्निशन के लिए डेटा देते हैं ना, तो वो भी ग्रे स्केल करके देते हैं उसी अंदाज से। मतलब आमतौर पर जो आप रोबोट्स देखते हैं, जो मिड लेवल कंपनी की जो रोबोट्स बना रहे होते हैं, तो वो आमतौर पर ग्रे कलर में देख रहे होते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि उसका मॉडल ग्रे स्केल पर ट्रेन हुआ होता है। तो ये कुछ मैंने ज़िक्र किया आपसे एरे के मुतालिक, कुछ बातें हो गई हमारी। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमारा टू डायमेंशन एरे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको तो दिया था ना, दो मैट्रिसेस को प्लस करने वाला काम, तो वही वाला टास्क आपने दोबारा से परफॉर्म। अच्छा, बाय द वे, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने वाला काम ना नेस्टेड लूप के बगैर नहीं हो सकता। वो तो हो गया था, है ना, प्लस वाला तो हो गया था, नेस्टेड लूप के बगैर भी हो जाएगा वो तो ऐसे ही लिख देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या होगा, अगर साइज़ चेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया था आपसे कि अगर किसी एक इंडेक्स का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, तो वो फिर लॉजिक काम नहीं करती। तो असूलन तो जो दो मैट्रिसेस आपके प्लस हो रहे हैं वो भी नेस्टेड लूप के ज़रिए होने चाहिए, लेकिन उसमें हो जाता है, एक से भी हो जाता है। जो दो का मल्टीप्लाई वाला केस है ना, उसमें क्या होता है कि एक का जो रो है वो दूसरे के कॉलम से शायद मल्टीप्लाई होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो आप देख लीजिएगा इंटरनेट से कि क्या उसका फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई भी करना है, करने की कोशिश करनी है। अच्छा, इंटरनेट से उठा के करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे तो आ तो जाता है कि यार हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स विद नेस्ट, अब तो ChatGPT से लिखेंगे तो वहाँ से भी आ जाता है।
ठीक है, बट आपने ना उसको कोशिश करना है खुद से लिखने के लिए ना। खुद से लिखने से ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना जो अभी क्लैरिफाई नहीं हुई है वो उस वक्त क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा नेस्टेड लूप से खेलना आ जाएगा आपको। तो बाय द वे, एक अभी किसी ने मेरे पास ना कमेंट किया वीडियो पे यूट्यूब पे ना कि सर वो तो अभी तो एआई के टूल्स आ गए ऐसे कि वो तो उसको फ़ोटो दो तो वो सामने से पूरा एचटीएमएल लिख के दे देते हैं, उसको लिख के दो तो वो कोड सामने से जनरेट करते हैं। तो ये तो अब कोई फ्रंट एंड डेवलपर क्यों रखेगा? अभी मुझे ये बात याद आ गई कि वो आप खुद से लिखेंगे ना, क्यों रीज़न है उसका? तो क्या क्यों रखेगा फ्रंट एंड डेवलपर, बताओ मुझे। नॉवेल प्रॉब्लम के लिए एक तो, और दूसरा अभी राइट नाउ की अगर मैं बात करूँ ना, अभी मैंने उनको जवाब नहीं दिया कोई कमेंट में, मैं दूंगा लेकिन, तो मेरा जवाब उसमें ये है कि अभी जो बैच 8 का हैकाथॉन हुआ था तो वो टास्क मौजूद है, तो 24 घंटे का टाइम अपने आप को देखे ना, करके देख लो अगर करवा सकते हो चैट जीपीटी से अगर, तो क्योंकि उनको वो 12 घंटे के लिए मिला था तो मैंने 12 घंटे एक्स्ट्रा दिए, 24 घंटे भाई वो एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है, अगर वो आपने करवा लिया अगर चैट जीपीटी से 24 घंटे में भी, तो मेरी तरफ से 50,000 महीने की नौकरी भी ऑफर है, और क्या कहते हैं आपको एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर भी। मैं कल उससे पता नहीं क्या बात पूछ रहा था, मैं ऐसा लग रहा मुझे मैं पत्थर से सर मार रहा हूँ भाई, कोई कोड उससे मैंने लिखवाया, मैंने उससे हाँ चैट, मैंने उसके कहा चैट जीपीटी का वो स्क्रीन बनाओ चैट जीपीटी की जैसी, क्योंकि मैं एक ऐप पे काम कर रहा था तो उसमें बिल्कुल चैट स्क्रीन सेम उसी की जैसी थी, तो मैंने कहा भाई चैट स्क्रीन बनाओ। अच्छा अब उसमें चैट स्क्रीन जो उसने मुझे बना के दी वो देख, एक तो वाहिया, तो दूसरा उसके अंदर जब मैं लिख रहा हूँ ना तो वो बॉक्स ग्रो करवाना था मुझे कि वो बॉक्स ग्रो भी हो साथ साथ, जैसे चैट जीपीटी में भी होता है वो बॉक्स ग्रो करता है वर्टिकली। अब मैंने उसको बोला कि भाई ये जो कोड तुमने लिखा है इसमें ये वर्टिकली ग्रो नहीं कर रहा, सामने से वो कह रहा है नहीं ये कोड तो वर्टिकली ग्रो कर रहा है, इसको दोबारा चेक करो। अब मैंने कहा भाई नहीं कर रहा, मैंने चेक किया। अच्छा फिर उसने कहा वो आई अपोलॉजी वाला जो एक सर्टन उसका जुमला है, ठीक है, तो भाई वो अभी इतना समझदार नहीं हुआ है पहली बात तो, दूसरा अगर वो हो भी जाए ना तो उससे क्या, देखो अभी वर्टिकली ग्रो करवाना है कि मुझे पता है ना एज अ डिज़ाइनर या एज अ डेवलपर या जो भी आप कह लो एज अ बिजनेस ओनर कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार जब मैं लिखूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स ग्रो करना चाहिए, उसको नहीं पता ही। उसने जो बाई डिफ़ॉल्ट बना के दिया था चैट एप्लीकेशन में ग्रो नहीं होता, चैट एप्लीकेशन में तो सिंगल लाइन रहती है उसमें, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाएगी लाइन, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करता। तो ये एज अ डिज़ाइनर तो ये बात मुझे पता है ना कि क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना, तो वो तो जस्ट एक टूल है। अभी मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी तो वो बता रहे थे कि यार एक स्क्रू ड्राइवर है एक ड्रिल मशीन है, तो ये ड्रिल मशीन वाला चक्कर है कि वो तेज़ी से करेगा उसको, ये नहीं हुआ कि वो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत ख़त्म हो गई हो। ये सारे जो तुम लोग है ना 20 के पाने आप लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन वो मैंने लास्ट भी डिस्कशन की थी कि बहुत सारे आप में से रिप्लेस भी हो जाएंगे, जिनको काम नहीं ना आता होगा वो रिप्लेस भी हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो ये वाली बात है ना कि इसका वर्टिकली ग्रो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना अगर, तो आप रिप्लेस भी हो जाएंगे। अच्छा तो इसको खैर हम यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।